सबसे पहले बड़ी खबर है अनु, बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवा दें। आज भाजपा में शामिल हो सकती है अपर्णा यादव, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो सकती है अपर्णा यादव। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ले सकती है भाजपा की सदस्यता, ये बड़ी जानकारी है। लंबे वक्त से ऐसी खबरें लगातार मिल रही थी, अब ये जानकारी मिल रही है कि आज फैसला हो सकता है अपर्णा यादव की तरफ से। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लेकर यह जानकारी कि बीजेपी में शामिल वो हो सकती हैं। इंतजार इस मौके का भी किया जा रहा है लंबे वक्त से। जाहिर सी बात है बीजेपी वाले इंतजार कर रहे होंगे मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लेकर। लंबे वक्त से जो खबरें लगातार सामने आती रही उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि आज कुछ हो सकता है बड़ा। बिल्कुल, और दीपा इससे पहले भी अपर्णा यादव लगातार सीएम योगी पीएम मोदी की तारीफ करती रही हैं। इससे पहले उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी कई बार की है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी ने डैमेज बीजेपी को किया है, क्या ये उसका जवाब है? क्योंकि वो परिवार जो पूरी तरह समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसकी बहू अब बीजेपी का दामन थाम सकती है। वहीं इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आज लखनऊ में असीम अरुण ज्वाइन करेंगे भाजपा, तो ये एक और जानकारी। आज दो लोग हैं जो भाजपा को ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी से, जो समाजवादी पार्टी का परिवार है एक तरह से यादव परिवार, उसकी बहू आज बीजेपी ज्वाइन करेंगी। तो वही रिटायर्ड आईपीएस असीम अरुण भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लखनऊ में एक कार्यक्रम होगा ज्वाइनिंग का, जहां असीम अरुण भी बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। देखिए, असीम अरुण को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी में आज वो शामिल होंगे, ये जानकारी है। भाजपा में लंबे वक्त से खबरें चल रही थी कि शामिल होंगे असीम अरुण, आज वो दिन बताया जा रहा है जब भाजपा में वो शामिल हो जाएंगे औपचारिक रूप से। चले इसी पर और जानकारियों के साथ रतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख सीधे कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं असीम अरुण के बारे में, क्या अपडेट रतीश के पास है? रतीश, आज वो दिन है जब असीम अरुण जो है वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे, कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कहां पर कौन कौन मौजूद होगा, बताएं विस्तार से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से जो मैसेज जारी किया गया है उसमें अब ये अपडेट है कि सुबह 10 बजे ये ज्वाइनिंग कराई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे और अनुराग ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे। पिछले काफी दिनों से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में डेरा डाल रखा है और आज एक बड़ी ज्वाइनिंग हो सकती है। सबसे पहले कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर आईपीएस असीम अरुण कल भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते उनकी ज्वाइनिंग कल नहीं हो पाई थी, आज उनकी ज्वाइनिंग होनी। ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक प्रशासनिक अधिकारी हैं रिटायर्ड, उनकी भी ज्वाइनिंग आज कराई जा सकती है। और साथ ही आज बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दिया जा सकता है, मुलायम सिंह यादव की जो बहू हैं अपर्णा यादव, उनकी ज्वाइनिंग भी कराई जा सकती है। कल शाम को अचानक से हलचले पड़ी थी लखनऊ मुख्यालय पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, चूंकि कार्यालय पर अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मौजूद थे। एक मीटिंग की चर्चा की जा रही थी, चूंकि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की थी पहले चरण और दूसरे चरण को लेकर के, उसके तमाम असंतुष्टों को मनाने के लिए और जो आगे फ्यूचर प्लानिंग है उस पर बात करने के लिए। और उसी कड़ी में शाम को स्वतंत्र देव सिंह सीएम आवास गए थे और ये माना जा रहा है कि सीएम आवास पर सीट को लेकर, यानी अपर्णा यादव अगर बीजेपी ज्वाइन करती हैं तो उनकी सीट को लेकर के भी ये चल रहा था कि वो सीट कौन सी होगी जहां से उनको लड़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार याद किया जाए तो वो कैंट से, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो हार गई थी। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि अमेठी की तिलोई सीट पर उनकी निगाह है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो किसी अन्य सीट से लड़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि लखनऊ कैंट से उनके जो विधायक हैं उनको ही वो रिपीट करना चाहती है, इसलिए तमाम अन्य सीटों पर भी विचार किया जा रहा है। और आज हो सकता है कि बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दे भारतीय जनता पार्टी और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। बिल्कुल रतीश, लेकिन ये भी बताएं कि आखिर समाजवादी पार्टी इसका बचाव कैसे करेगी, जो अपने परिवार की और एक जो परिवार की पार्टी चला रही है वो विचारधारा छोड़कर उनके घर की बहू बीजेपी की विचारधारा में विश्वास दिखा रही है, तो समाजवादी पार्टी चुनावों में कैसे इसका बचाव करेगी? बिल्कुल, इससे पहले भी हल्के हल्के झटके दिए जा चुके हैं अपर्णा यादव की तरफ से, क्योंकि अपर्णा यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले मंचों से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफें करती आई हैं और इसी से संदेश वो देती आई हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में उनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया
क्योंकि वो भी अपर्णा यादव की बहू है, मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव, और अगर उनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया तो वो अपनी राहें जुदा कर सकती हैं राजनीति में, क्योंकि राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, और इसीलिए अपर्णा यादव अब अपना जो राजनीतिक भविष्य है वो तलाश रही है। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार वो तारीफ करती रही हैं, योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकातें होती रही हैं और प्रधानमंत्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो लगातार तारीफ भी करती रही हैं, और शायद इसीलिए माना जा रहा है कि आज अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। बिल्कुल रतीश, लेकिन कितना बड़ा झटका होगा ये समाजवादी पार्टी के लिए, कितना बड़ा जनाधार है अपर्णा यादव का वो भी जरा बताइए, या फिर सिर्फ मुलायम यादव की बहू है, यादव कुनबे से वो आती है इसलिए अहम हो जाता है कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भाजपा का दामन थाम रही है, या वाकई में उनका जनाधार है उत्तर प्रदेश में, ये बताइए विस्तार से। देखिए अपर्णा यादव पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक रूप से कहा जाए सक्रिय हैं और सामाजिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हैं, वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा भाग लेती आई हैं और पिछले चुनावों से कुछ पहले ही उन्होंने अपनी सक्रियता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। जनाधार की बात की जाए तो ज़्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन अपने आप में यही काफ़ी होता है एक संदेश देने के लिए कि वो अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, और यही संदेश लेकर के वो जहाँ से भी चुनाव लड़ती हैं या जाती हैं वहीं पर उनको यह आशीर्वाद मिलता है। हमेशा वो मीडिया से बात करते हुए हमेशा यही कहती हैं कि नेताजी के कामों को उनको आगे बढ़ाना है, और नेताजी के कामों को तो अखिलेश यादव भी आगे बढ़ा रहे हैं, यानी नेताजी के कामों को और नेताजी के नाम को लेकर के बीच में बंटवारा होगा, और अगर बंटवारा होगा तो जरूर ही अपर्णा यादव को फायदा भी होगा क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है। प्रधानमंत्री की सीएम की तारीफ अक्सर मंचों से करती भी रही है, लेकिन बीच में खबर यह आई थी रतीश कि हो सकता है समाजवादी पार्टी ही तिलोई भेजे या फिर तिलोई से चुनाव लड़ाए अपर्णा यादव को, यहां पर सहमति नहीं बनी, बात नहीं बन पाई, इसको लेकर भी तमाम खबरें चल रही हैं। अब कहां से लखनऊ कैंट से उनको बीजेपी उतारती है या फिर तिलोई से बीजेपी दाव चलती है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल आज की आने वाली तस्वीरों पर लगातार नजरें टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका रतीश पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा।